नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं कि मसालों में आज धनिया तेजी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, 11,100 के ऊपर है। जीरा 22,500 का हाई लगा चुका है। हल्दी में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, क्या अभी यहाँ जो मसाला कॉम्प्लेक्स है, क्या ये ओवरबॉट हो चुका है और क्या यहाँ पर अभी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, संभल जाना चाहिए? देखिए, अभी अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज के अंदर आज सभी कमोडिटीज के अंदर हल्की हल्की निचले स्तरों पर खरीदारी आती हुई दिखी है। और सबसे बेहतरीन ये है कि मसालों की अगर बात करें तो अच्छी रैली अभी आगे भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। और वापस से आप देखिए, जीरा जो 22,000 के नीचे लुढ़क गया था, आज वापस से 22,500 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। हल्दी में भी नीचे के स्तरों पर सपोर्ट आया और अब आगे होली और रमजान का महीना है तो मुझे लगता है कि आगे डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है और मसालों में और ज्यादा यहाँ से तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। और जीरा 23,500 से 24,000 का सर छुपा हुआ नजर आ सकता है और धनिया भी 12,000 के ऊपर ट्रेड कर सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आपको क्या लगता है, आज ग्वार गम और ग्वार सीड में देख रहे हैं हल्की सी बढ़त के साथ बाजार खुला है, तो क्या ऐसे में आज इंट्राडे में ग्वार गम ग्वार सीड में कुछ तेजी बन सकती है? देखिए, इंट्राडे में हो सकता है कि ग्वार गम 12,000 का सर छुटा हुआ दिखाई दे और वही सीड की बात करें तो 1,250 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और तेजी है हल्की हल्की बाजारों में, एकदम से बहुत बड़ी, लेकिन हाँ बाजारों में अभी जो है निचले स्तरों पर बाइंग हमेशा हमने आते हुए देखी है ग्वार में। और ये सस्टेन है मार्केट, लंबे अर्थों से हम देख रहे हैं कि 10,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आ रही है, तो ये यहाँ से एक तेजी की ओर इशारा हो सकता है कि आगे चल के ग्वार में उछाल देखने को मिले। लेकिन आज इंट्राडे में 12,000 तक का स्तर संभव है कि देखने को मिल सकता है। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं बाजार फिर से टूटा है, हालांकि रेंज में ही है, सपोर्ट लेवल्स पर ही है, तो आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल यहाँ से अभी नीचे 3,000 के भी लेवल्स दिखा सकता है? देखिए, बिनौला खल में एक्सपेक्टेड है 3,000 का स्तर आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वापसी की है बाजार ने, ऊपरी स्तरों से फिर से करेक्शन देखने को मिली है और अभी सिनेरियो जो है कॉटन और बिनौला खल दोनों का ही थोड़ा सा प्रेशर में दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार 3120 अहम सपोर्ट है नीचे में, अगर उसको सस्टेन कर गया मार्केट तो वापिस 3,250 तक जा सकता है। अदरवाइज 3120 का लेवल टूटा तो नीचे में 3,080 से 3,060 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप कॉटन की, तो कॉटन में देख रहे हैं कि ग्लोबली सारे एक्सचेंजेस में कॉटन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया में अभी कुछ खबरें हैं कि भले ही कॉटन का जो प्रोडक्शन है पहले के मुकाबले कम बताया जा रहा हो, लेकिन जो एक एवरेज प्रोडक्शन होता है कॉटन का, उससे वो अभी भी ज्यादा ही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कॉटन की कीमतों में जो गिरावट है अभी कितने दिनों तक और देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी थोड़ा सा दौर जो है वो करेक्शन वाला रह सकता है और नीचे में कॉटन जो है हम एक्सपेक्ट करें कि 36,000 तक एक बार एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ अभी प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट देखने को मिल सकती है। और जहां तक फंडामेंटल की बात है, फंडामेंटल अभी भी सपोर्टिव है कॉटन का, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि इस मौसम में आकर थोड़ा डिमांड जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा कीमतों के ऊपर दबाव बना रह सकता है। लेकिन बाकी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा चलकर की किस तरीके का आउटलुक देखने को मिलेगा। जी रूपा जी, जैसे अब गर्मियां आ चुकी हैं लगभग, तो आपको क्या लगता है गर्मियों में क्या कॉटन की डिमांड बढ़ने से कीमतों में कुछ तेजी देखने को मिलेगी? देखिए, अभी फिलहाल तेजी का सिनेरियो थमता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी प्राइसेस काफी ऊपर है, काफी लोगों ने प्रोडक्शन कम होने के बावजूद भी काफी लोगों के पास अभी स्टॉक भी है, तो मेरे हिसाब से अभी बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी नहीं है, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी आती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप कैसा सीड की, तो कैसा सीड देख रहे हैं 6,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 7,000 से नीचे लुढ़क चुका है, आपको क्या लगता है क्या कैसर अभी एक रेंज में देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, कैसर जो है अभी एक रेंज बाउंड हो सकता है 6,800 से लेकर 7,000 के बीच अभी रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। आज हल्की सी बाइंग आ सकती है निचले स्तरों से और जो की 6,800 से लेकर 6,920 तक ले जा सकती है, लेकिन जब तक 7,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक लंबी तेजी इसमें नहीं है। अभी बाजार जो एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की,
तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि यूएस सोयाबीन वायदा $1,650 के आसपास है, और भारत में भी देख रहे हैं 7,200 तक के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं घरेलू वायदा में। मंडियों के अंदर हाजिर की बात करें तो मंडियों में महाराष्ट्र में सोयाबीन 8,000 के पार बिकती नजर आ चुकी है, मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब सोयाबीन यहां से अब एक अच्छी रैली की ओर जाने के लिए तैयार है? देखिए, सिनेरियो तो काफी पॉजिटिव है और विदेशी बाजारों में जिस तरीके की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और उसका असर अब घरेलू बाजारों पर आना शुरू हो चुका है और घरेलू बाजारों में भी कीमतें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही हैं और माना जा रहा है कि यहाँ से अच्छी रैली बन सकती है और एक्सपेक्टेड है कि करंट लेवल के लेवल के ऊपर भी मुझे लगता है कि 200 से 300 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगे आज के लिए आप, जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? आज इंट्राडे में मुझे लगता है कि मसालों के अंदर बाइंग में रहना चाहिए, मसालों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, स्पेशली जीरा मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में 22,800 तक ऊपर जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।